सी प्रोग्राम अबाउट ट्राइंगल प्रॉपर्टीज मीन जनरली ट्राइंगल्स के रिस्पेक्ट में आते हैं। थीटा इसके ट्राइंगल्स पॉसिबल होंगे, मे बी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, स्केलिन ट्राइंगल एंड आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। फर्स्ट वन इक्विलेटरल, नेक्स्ट वन स्केलिन और आइसोसेल्स। फर्स्ट वन व्हाट डू मीन बाय डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, किस बेसिस पर ट्राइंगल्स का टाइप आइडेंटिफाई करें। किसी भी ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, टोटल ट्राइंगल के केसेस में टोटल थ्री पॉसिबल साइड्स होंगे, साइड ए बी सी, साइड ए बी सी, साइड ए बी सी, लाइक दैट। सी प्रोग्राम टू चेक वेदर ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, स्केलिन और आइसोसेल्स। फर्स्ट वन व्हाट डू मीन बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, अगर किसी ट्राइंगल्स के रिस्पेक्ट में तीनों साइड्स एग्जैक्टली सेम है, मीन्स सपोज दैट फर्स्ट साइड मीन्स दीज आर साइड्स ए बी सी, देर आर थ्री साइड्स। फर्स्ट साइड ए के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू गिवन है लाइक अ फाइव, साइड बी का भी साइज लेंथ गिवन है फाइव सेम है, साइड सी इज ऑल्सो फाइव। तीनों साइड्स एग्जैक्टली सेम साइज की हैं, देन इस केस में ट्राइंगल का टाइप कंसिडर करेंगे जो equilateral triangles, and any triangle having all sides with same size known as equilateral triangles. First property, the first property ke according what is the if condition for equilateral triangles. Equilateral triangles ke case mein simply if conditions ke apply karenge, if side A, agar first side A B ke equivalent hai, if A equal equal B, and सेकेंड कंडीशन क्या होगा, मीन्स ए बी के साथ चेक कराएंगे सेम है बी सी के साथ, एंड बी इक्वल इक्वल सी, अगर साइड बी का लेंथ साइड सी के इक्विवेलेंट है तो इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली ए किसके इक्विवेलेंट होगा, सी के। मीन्स अगर बी ए के भी इक्विवेलेंट और बी सी के भी इक्विवेलेंट है, इनडायरेक्टली देन ए और सी भी कैसे ऑल्सो इक्विवेलेंट। देन आपको अगेन फर्दर ए और सी को कंपेयर करने की नीड नहीं है, अगर दोनों ही कंडीशन प्रॉपर्टी ट्रू है देन थर्ड प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली कैसा होगा, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ट्रू। नेक्स्ट वन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल। सेम है व्हाट इज द कंडीशंस फॉर स्केलिन ट्राइंगल्स, स्केलिन ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्राइंगल्स के रिस्पेक्ट में अगर आएगा ए बी सी लाइक दैट, अगर टू डिफरेंट डिफरेंट साइड्स का डिफरेंट डिफरेंट साइड्स का साइज एग्जैक्टली सेम है, अगर इफ sides of any two sides of any triangle is same then triangle is considered as scalene, means इस केस में साइड ए या तो साइड बी के इक्वल है या साइड सी के इक्वल है सेम एज, या फिर साइड बी ए के इक्वल है या सी के इक्वल है सेम एज, साइड सी या तो ए के इक्वल है या बी के इक्वल है, अगर टू साइड्स इक्वल है देन इसको कंसिडर करेंगे एज अ स्केलिन ट्राइंगल्स। व्हाट इज द कंडीशंस फॉर इफ स्केलिन ट्राइंगल्स, else if के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, इस आइदर ए इज इक्वल इक्वल, आइदर ए इज इक्वल इक्वल बी, और या फिर मीन्स या तो ये बी के इक्वल होना चाहिए या फिर ये सी के इक्वल होना चाहिए, देन कंडीशन अप्लाई करें और ए इक्वल इक्वल सी, सिमिलरली और मीन्स या तो ये बी के इक्वल है या ए सी के इक्वल है सेम है, जब कंपेयर मीन्स ए और बी कंपेयर हो चुके हैं सेम है, ए और सी कंपेयर हो चुके हैं, देन अब कंपैरिजन किसका प्रोवाइड करना, सी का, सी के रिस्पेक्ट में आते हैं, सी का कंपैरिजन ए के साथ ऑलरेडी हो चुका है, चेक किसके साथ करेंगे बी के साथ, देन नेक्स्ट कंडीशन क्या और बी इक्वल इक्वल सी सेम है, बी को भी किससे कंपेयर कराएंगे ए से, बी ए से भी कंपेयर हो चुका है एंड बी सी से भी कंपेयर हो चुका है, दिस इज द कंडीशंस फॉर स्केलिन ट्राइंगल्स। सेम एज अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अगर ट्राइंगल ना ही इक्विलेटरल है ना ही स्केलिन है, बाय डिफॉल्ट ट्राइंगल का टाइप कंसिडर करेंगे एज आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल्स के केस में तीनों ही साइड्स कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइक दैट, इस केस में प्रोवाइड किया लाइक फाइव, साइड ए इज फाइव, साइड सी इज फाइव, बट साइड बी इज, साइड बी इज सेवन। इस केस में फर्स्ट कंडीशन टेस्ट होगा ए और बी, ए का वैल्यू फाइव है बी का वैल्यू सेवन है, 5 इक्वल इक्वल 7 कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट टाइम कंडीशन किसके लिए अप्लाई होगा, ए और सी के लिए, ए का वैल्यू क्या है 5, सी का वैल्यू क्या है 7, 5, 5 इक्वल इक्वल 5 कंडीशन इज ट्रू, अगर एक भी कंडीशन ट्रू देने ट्राइंगल का टाइप क्या है स्केलिन। सेम एज व्हाट इज द कंडीशंस फॉर आइसोसेल्स, सपोज दैट फर्स्ट साइड पॉइंट क्या है एज ए 5, नेक्स्ट वन 6, नेक्स्ट वन 7, इस केस में तीनों ही साइड्स कैसे हैं डिफरेंट, देन इस केस में ट्राइंगल का टाइप कंसिडर करेंगे एज ए आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। दिस इज द कंडीशंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी।
देन फाइनली इसके लिए सोर्स कोड पार्ट करेंगे। सोर्स कोड के रिस्पेक्ट में सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप इन सेम एज प्रीवियस प्रोग्राम्स, फर्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइडिंग ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशंस, प्रोवाइडिंग ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशंस। इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, 3 वेरिएबल्स, साइड ए, साइड बी, साइड सी। नेक्स्ट वन, सेकेंड स्टेप रीडिंग इनपुट्स यूजिंग कीबोर्ड। नेक्स्ट वन प्रिंट टैब एंटर थ्री साइड्स, एंटर थ्री साइड्स। नेक्स्ट वन परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। नेक्स्ट वन सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करें इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के लिए। जस्ट मैंने प्रीवियस केस में मेंशन किया था व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अगर ट्राइंगल्स के केस में तीनों ही साइड एग्जैक्टली सेम है देन ट्राइंगल का टाइप कंसिडर करेंगे जाए इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। फॉर एग्जाम्पल्स सबसे पहले ए को कंपेयर करेंगे विद बी से, अगर ए बी के इक्वल है एंड बी सी के इक्वल है एंड बी इक्वल इक्वल सी, तो इनडायरेक्टली ए, अगर ये दोनों ही प्रॉपर्टी ट्रू है इनडायरेक्टली ए भी, ए और सी भी कैसे होंगे, ऑल्सो इक्वल। इसके अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे प्रिंट एफ गिविंग ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, गिविन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट वन एल्स इफ कंडीशंस, एल्स इफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग बात करें नेक्स्ट वन मीन्स अगर फर्स्ट कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है दोनों ही फॉल्स हैं देन चेक किसके लिए करें, स्केलिन। स्केलिन के केस में कॉन्सेप्ट क्या था, अगर एक भी मीन्स टू साइड्स अगर सेम है देन ट्राइंगल का टाइप क्या हुआ, स्केलिन। सेम मीन्स आइदर ए इक्वल इक्वल बी और ए इक्वल इक्वल सी और बी इक्वल इक्वल सी और बी इक्वल इक्वल सी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है इसका मीनिंग क्या, कहीं ना कहीं या तो ए और बी सेम है या फिर ए और सी सेम है या फिर बी और सी सेम है। अगर टू साइड सेम है देन डिस्प्ले करा लेंगे करेस्पॉन्डिंग मैसेज एज प्रिंट एफ गिविन ट्राइंगल इज स्केलिन, गिविन ट्राइंगल इज स्केलिन ट्राइंगल। अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स है देन फाइनली अप्लाई करेंगे एल्स कंडीशंस, एल्स के अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट एफ गिविन ट्राइंगल इज आइसोसेल्स, गिविन ट्राइंगल इज आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। मीन्स टेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट वन सबसे पहले इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, देयर आर 3 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन फर्स्ट टाइम टेस्ट किया फॉर गिविन इनपुट्स इस स्कैनएप के अकॉर्डिंग ए बी सी तीनों का वैल्यू मैंने एंटर किया 5 5 5। इसके अकॉर्डिंग अगर कंडीशन टेस्ट करें ए का वैल्यू क्या 5, बी का वैल्यू क्या 5, ए इक्वल इक्वल बी मीन्स 5 इक्वल इक्वल 5। फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, ए इक्वल इक्वल बी एंड बी इक्वल इक्वल सी। फर्स्ट टाइम ए और बी का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, ए का वैल्यू क्या 5 एंड बी का भी वैल्यू क्या ऑल्सो 5 एंड बी के प्लेस पर क्या आएगा, बी का वैल्यू 5, सी के प्लेस पर सी का वैल्यू, सी का वैल्यू भी क्या है ऑल्सो 5। फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, अगर एंड के केस में दोनों ही कंडीशन ट्रू है देन ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ट्रू है। देन इसके अकॉर्डिंग क्या डिस्प्ले हुआ, इक्विलेटरल्स। देन कंट्रोल का सेंड हुआ आउटसाइड इफ एल्स, इस केस में फाइनली डिस्प्लेड मैसेज क्या हो, इक्विलेटरल। नेक्स्ट वन मैंने एंटर किया समथिंग 5 5 7 और समथिंग 5 7 लाइक दैट। इसके समय देखा जाए ए और सी कैसे हैं डायरेक्टली सेम। कंडीशन अप्लाई करें पहले फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में कंपेरिजन किसका हुआ, ए और बी का, ए क्या है 5 और बी क्या है 7, 5 इक्वल इक्वल 7 कंडीशन इज फॉल्स। इस केस में
कंडीशंस के अकॉर्डिंग ए के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे 5 और बी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे 7। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन टेस्ट करने की नीड ही नहीं, डायरेक्टली ओवरऑल कंडीशन क्या होगा फॉल्स, देन टेस्ट होगा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले तो फर्स्ट केस से चेक होगा ए इक्वल इक्वल बी, 5 इक्वल इक्वल 7, कंडीशन इज फॉल्स। और के केस में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, अब चेक किया सेकंड कंडीशन ए इक्वल इक्वल सी, ए इज 5 सी इज 5, 5 इक्वल इक्वल 5, कंडीशन इज ट्रू। और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है देन ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा इसका ट्रू, इसके अकॉर्डिंग बॉडी किसका एग्जीक्यूट हुआ है एल सेफ, एल सेफ के अकॉर्डिंग डिस्प्ले जाएगा मैसेज एज स्केलिन। अगर एल्सिफ एग्जीक्यूट हो चुका है देन एल्स को चांस पड़ने का, नॉर्मल बिहेवियर क्या है या तो एफ का बॉडी एग्जीक्यूट हो या फिर एल्सिफ या फिर एल्स। नेक्स्ट टाइम मैंने एंट्री किया समथिंग 5, 6, 7, इस केस में अगेन फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे ए इक्वल इक्वल बी, 5 इक्वल इक्वल 6, कंडीशन इज फॉल्स। देन सेकेंड कंडीशन टेस्ट होगा ए इक्वल इक्वल बी, मीन्स 5 इक्वल इक्वल 6, कंडीशन फॉल्स। सेकेंड कंडीशन टेस्ट होगा ए इक्वल इक्वल सी, ए क्या है इस केस में 5 और सी क्या है 7, 5 इक्वल इक्वल 7, कंडीशन अगेन फॉल्स। नेक्स्ट टाइम चेक होगा लास्ट केस बी इक्वल इक्वल सी, देन बी का वैल्यू क्या है 6 और सी का वैल्यू क्या है 7, 6 इक्वल इक्वल 7, लास्ट कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है ना इस केस में इफ कंडीशन ट्रू है ना ही एल्स इफ ट्रू है, देन फाइनली चांस किसको मिलेगा एल्स ब्लॉक, अकॉर्डिंगली डिस्प्ले जाएगा मैसेज एज आइसोसेल्स। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन गिवन साइड।